हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में तो इस वीडियो में जो है हम लोग नॉर्सेट दो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए है जो ओबीसी एनसील या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और नॉर्थ सेट 2022 के जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं कि आपकी जो सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए अगर वो नहीं होती ऐसे तो आपका जो कैटेगरी uh, का रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं इस वीडियो में और अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं ठीक है थीके? उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा बाकी नॉर्थ सेट से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सारी वीडियोस भी मैंने नॉर्थ सेट की प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं ठीक है थीके? तो चैनल पर प्ले वाले सेक्शन में जाकर आप वो भी देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है यहां पर पॉइंट नंबर एट में दिया है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी दैट इज एस सी एस टी ओबीसी विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ऑन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द वैकेंसीज आर बीग एडवर्टाइज इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री देर फोर एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम वन अप्रैल ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विल बी कंसिडर्ड वैलिड ठीक है तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा है ओबीसी एनसीएल के जो भी कैंडिडेट है सर्टिफिकेट बनाना होगा तो उसकी जो इश्यू डेट है वो एक अप्रैल दो हजार बाईस से लेकर इकतीस मार्च दो हजार तेईस तक के बीच में होनी चाहिए और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव होंगे यानी कि फर्स्ट अप्रैल भी और थर्टी फर्स्ट मार्च भी तो ये डेट्स को भी अगर आपका बना है तो ये भी वैलिड होगा ठीक है और बाकी इसके बीच में ही आपकी इश्यू डेट आनी चाहिए ठीक है उसके बाद लिखा है कैंडिडेटर कैंडिडेट्स हु हैव एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट ठीक है तो आपको जो है रिजर्वेशन का फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा ओके okay, बाकी यहां पर और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है अब हम लोग जो है ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लेते हैं हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किया होना चाहिए ठीक है और क्योंकि यहाँ पर एक चीज और भी लिखी हुई कि ओबीसी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन कार्ड कास्ट बॉर्न इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो आपकी जो ओबीसी की आ, मतलब अगर आप सपोज ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट आपके पास तो आपकी जो कास्ट होगी ठीक है वो कास्ट आपकी जो है ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए तभी आपको जो है यहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा ये यह यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट है या नहीं है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसका लिंक भी जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पेन कर दूंगा ठीक है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी जो कास्ट है वो ओबीसी की सेंट्रल में है या नहीं है ठीक है तो अगर होगी तभी आपको जो है ओबीसी का जो है यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है बाकी ये तो लिखा ही है कि आ, जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट वही वाला वैलिड होगा ठीक है अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं यहां पर तो यहां लिखा है सेकंड पॉइंट द वैकेंसीज एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय डीओपी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिवेंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है एप्लीकेशन अंडर ईडब्ल्यू एस कैटेगरी विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑन अ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ठीक है तो इसके साथ आपको जो है इनकम इंक, का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और उसके बाद लिखा है द द क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट इज द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ठीक है एक्सेप्ट इन केसेस वेर डेट इज फिक्स अदरवाइज ठीक है तो यहां पर जो है इससे पहले पहले का आपका इनकम का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट uh, है लास्ट डेट वो क्लोज होगी ठीक है और एक चीज और लिखिए कि अकॉर्डिंगली अ डीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इश्यूड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑन इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 ट्वेंटी इश्यूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 बट नॉट लेटर देन 31 मार्च 2023 वैलिड फॉर द ईयर 2022-2023 टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विल भी कंसिडर्ड वैलिड ठीक है तो एक तो चीज ये है कि ईडब्ल्यूएस का आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बना होना चाहिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी इशूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए ठीक है और यहाँ पर डेट वही सेम दी गई है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जो है आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की इश्यू डेट होनी चाहिए तभी आप कैटेगरी का बेनिफिट लेने में जो है यहां पर सक्सेसफुल हो पाएंगे ठीक है अदरवाइज आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है बाकी सबके जो सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो एससी कैटेगरी हो एस कैटेगरी हो अगर उनका स्टेट का भी होगा तो वो वैलिड रहेगा ठीक है उनके बारे में ऐसे कुछ भी यहां पर मैंशन नहीं किया गया बाकी यहां पर जो पीडब्लू के कैंडिडेट्स होते हैं पीडब्लू पी डी कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है तो वो भी इसको चेकआउट कर सकते हैं ठीक है बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो ठीक है तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो और बेललाइकन को प्रेस कर लो और जैसे ही नॉर्थ से ट्वेंटी से रिलेटेड और भी जो अपडेट्स आएंगे वो आपको इस चैनल पर दे दिए जाएंगे ठीक है सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे